सब्सक्राइब करें गेम अलर्ट चैनल को और दबाएं उस घंटे को। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गेम अलर्ट में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो दोस्तों फाइनली WCG2 ने अपना अपडेट लॉन्च कर दिया है। अपडेट लॉन्च करने से पहले उन्होंने एक प्रोमो लॉन्च किया है जो आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उनका ऑफिशियल प्रोमो है इस गेम का जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आप सभी के लिए होने वाला है। और दोस्तों बता दूँ कि इन्होंने जो अपडेट लॉन्च किया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आपको बहुत सारे नए फीचर इस गेम में मिलने वाले हैं और जो आपको ये प्रोमो दिखाया जा रहा है इसमें आपको देखिए ताजमहल दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सिटी या कंट्रीज इसमें आपको दिखाए गए हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और मज़ेदार हैं। और दोस्तों बात करूँ तो मैं आपको इसके पूरे प्रोमो को भी दिखा दूँगा और आप सभी को ये भी बता दूँगा कि इस गेम में आपको कैसे कस्टमाइजेशन करना है, कैसे इस गेम को पूरा खेलना है। सबसे पहले आप सभी इस गेम को जाके अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर पर। मैंने अपडेट कर लिया है इस गेम को प्ले स्टोर पर। जाके आपको 205 MB खर्चा करना पड़ेगा इस गेम के लिए और आराम से इस गेम को आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कुछ स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे जो बहुत ही कमाल का अपडेट आप सभी के लिए आया है। बिल्कुल नया नया अपडेट आया है 2018 का जिसमें आपको बहुत सारे मेजर अपडेट्स और बहुत सारे नए नए फीचर्स गेम में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको नए स्टेडियम्स वगैरह और नए T20 ODI तरह के बहुत सारे प्लेयर्स दिखेंगे और इसमें आपको कस्टमाइजेशन से रिलेटिव 125+ एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम सभी आपको सीधे ले चलते हैं WCG2 गेम पर और दिखाते हैं कि उन्होंने क्या नया गेम में चेंज किया है और क्या नया इसमें है आप सभी के लिए। तो दोस्तों ये है WCG2 का अपडेट वर्जन। देखिए यहाँ पे 2018 का अपडेट वर्जन आप देख सकते हो कि इसमें क्विक प्ले और टेस्ट क्रिकेट ये सभी चीज़ें बिल्कुल नई नई चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। और दोस्तों इसमें आपको सभी को गैंग्स ऑफ क्रिकेट के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा कमाल के मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग क्विक प्ले पर क्लिक कर लेते हैं और एक नए मैच को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये तो फिलहाल वही तरीका है जो पहले था 2017 के अपडेट में। तो यहाँ पर हम सभी देख सकते हैं कि यहाँ से अपने टीम को सेलेक्ट कर लेते हैं हम सभी। और दोस्तों इसके बाद हम सभी यहाँ पे 5 या 2 ओवर का मैच करते हैं और उसके बाद हम सभी गेम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर भी बिल्कुल वही पुराना वाला फीचर है, कुछ नया नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद देखते हैं ओके करने के बाद कि इसमें क्या नया है। तो दोस्तों यहाँ से हम अपने जर्सी को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको नए स्टेडियम मिले हुए हैं जैसे कि दुबई हो गया, अहमदाबाद हो गया। तो ये सब नए स्टेडियम्स हैं। वो ये तो बहुत ही कमाल का फीचर इन्होंने ऐड किया है। आप देख सकते हो इसमें आपको कस्टमाइजेशन से रिलेटिव बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर वार्नर को हम सभी कस्टमाइज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एडिट प्लेयर और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम सभी पहले क्या करते हैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे आप सभी को। यहाँ पे आप पहले अपने फेस को जिस तरह से आपको अपने फेस को चेंज करना है यहाँ पर आपको देख सकते हैं बहुत सारे आपको फेसेस मिलेंगे। तो आप यहाँ से अपने फेस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन सा फेस ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों आपका फेस जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जिस तरह से आप क्लिक कर रहे हो नए नए फेस पे वहाँ पे आपका फेस भी चेंज हो रहा है। तो चलिए यहाँ से हम एक फेस को चेंज करने के बाद यहाँ पे आप हम लोग इनके बालों को चेंज करते हैं। तो देखिए ये बहुत सारे आपको इनके बाल भी मिल जाएंगे और इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे टकला भी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे नए नए आपको हेयर भी मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का फीचर इन्होंने ऐड किया है कस्टमाइजेशन से रिलेटिव। और ये बिल्कुल 3D गेम लग रहा है देखने में यहाँ पे यार। तो और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं। तो आइए अब इनके दाढ़ी मूछ वगैरह को भी हम सभी चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या नया फीचर आपको दिखता है। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले दाढ़ी मूछ के इनको चेंज कर देता हूँ। तो यार ये दाढ़ी मूछ कैसा रहेगा? नहीं, ये अच्छा नहीं है। चलिए और देख लेते हैं ये सभी। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए और देखते हैं। ये देखिए मूछ लग गया इनको। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर इन्होंने ऐड किया है इस गेम में। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी नए हैट वगैरह देखते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको हैट मिलता है और आपको कैप भी मिलता है। तो हैट और कैप जो आपको मैंने बताया था कि इस गेम में आपको ऐड किया जाएगा वो फ़ीचर्स इस गेम में आपको मिल रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको और भी नए फीचर्स मिलेंगे जैसे कि सनग्लासेस वगैरह की फ़ीचर्स भी इसमें आपको मिलेंगे। तो आइए सनग्लासेस के ऊपर भी हम सभी क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले इनके यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ फ़ीचर्स हैं वगैरह वगैरह। ये रहा इनके सनग्लासेस के फ़ीचर्स। देखिए ये रहा इनका सनग्लासेस, कितना कमाल का लग रहा है, कोल्ड प्लेयर हो गया हम सभी का। और इसमें आपको देख सकते हैं अनलॉक एडवांस पैक भी लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बहुत सारे और भी पैक्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको टैटू का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भी कस्टमाइजेशन से रिलेटिव बहुत ही कमाल का फ़ीचर है जिसमें आपको टैटू भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप अपने
अपने प्लेयर की हाइट को भी बढ़ा सकते हो, अगर वो हाइट में छोटा है तब उसे बड़ा कर सकते हो। और ये भी फीचर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमाल का ऐड किया है। और उसके बाद आप यहाँ पे उनके स्किन को ज़्यादातर लाइट कर सकते हो और डार्क भी कर सकते हो। तो ये फीचर इन्होंने बहुत ही कमाल का किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर अपने प्लेयर का, आपको जो भी नंबर रखना हो, मैं यहाँ पे 00 नंबर रख के रखता हूँ इस प्लेयर का, वार्नर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों आज एक और वीडियो आप सभी के लिए आने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय। आसमां को फिर जमीन से इतनी मोहब्बत हो, वफा फैली हो जमीन पे, चाहतों की साबत हो जी।